गाजर का हलवा हम सबकी बहुत फेवरेट डिश होती है और उसका बनाने का तरीका भी सबका अलग-अलग होता है। तो आज मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं वो दिखाने वाली हूँ। तो चलो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा किलो गाजर, इसे मैंने घिस लिया है, काजूगर, बादाम, घी, 100 ग्राम चीनी, 100 मिली दूध। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है एक पैन, इसे अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम घी। गाजर का हलवा बनाने के लिए इसमें घी ही डालेंगे, तेल यूज ना करें। अब इसमें डालेंगे घिसा हुआ गाजर। अब घी में गाजर को अच्छे से मिक्स करें। जैसे ही गाजर घी में मिक्स होता है तब उसका कलर चेंज होने लगता है। अब इसे अच्छे से लगातार भूनते रहना। जैसे ही गाजर घी में मिक्स होता है तब उसका कलर चेंज होने लगता है। आप देख सकते हैं कि उसका कलर चेंज होने लगा है। हमें गाजर को अच्छे से 20 से 25 मिनट तक भून लेना है। 20 से 25 मिनट बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध को अच्छे तरह से मिला देना है। अब हम गाजर को दूध में पकाएंगे। तो यहाँ पे पैन को कवर कर देना है और 15 मिनट तक आराम से पकाना है। बीच बीच में हम इसे मिक्स करें ताकि ये जले नहीं। अब फिर से पैन को कवर कर देना है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी को अच्छे तरह से मिक्स करें। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम ही डाला है। आप इसमें चाहिए तो और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम भुनना शुरू करेंगे। अब हम सबको अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद 5 मिनट धीमे आंच पर पकने देंगे। अब जैसे जैसे चीनी अच्छे से मिक्स होते जाएगी तो उसका कलर भी डार्क होता जाएगा और हलवे का टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब हम पैन का जैसे ही ढक्कन हटाएंगे ना तो खुशबू से ही पता चल जाएगा कि हमारा हलवा बन गया है। तो ये हमारा सुपर टेस्टी हलवा बन गया है। चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए हम इसे एक बाउल में डालेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट सजा दे ताकि ये हलवा दिखने में भी और अच्छा लगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।